अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है और आज हम NVDA के अंदर हेल्प मेन्यू को चेक करेंगे और शॉर्टकट कीज़ को चेक करेंगे। मैं पहले इंसर्ट एन से NVDA का मेन्यू ओपन करता हूँ और हम वहाँ से आगे हेल्प सब मेन्यू में जाते हैं। NVDA मेन्यू। अब यहाँ पर मैं डाउन एरो से हेल्प सब मेन्यू के ऊपर आ रहा हूँ। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू, टूल्स सब मेन्यू, ड्यूल वॉइस सब मेन्यू, हेल्प सब मेन्यू। यहाँ पर राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं। यूजर गाइड। अगर इस ऑप्शन पर हम एंटर करेंगे तो हमारे पास NVDA की यूजर गाइड हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर खुल जाएगी। इसके अंदर NVDA से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ से मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। Commands quick reference। इस ऑप्शन पर एंटर करेंगे तो ये भी हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर में खुल जाएगी और इसके अंदर हमें NVDA की तमाम शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर पहले डाउन एरो से तमाम ऑप्शन चेक करा देता हूँ, फिर बाद में हम इस ऑप्शन पर एंटर करके इसको भी विजिट करेंगे। What's new? NVDA website. License. Contributors. Welcome dialog. Check for update. About. ये हेल्प मेन्यू के अंदर हमें तमाम ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ से नीचे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस भी आ रही हैं, जो एड ऑन डॉक्यूमेंटेशन एड ऑन है एक NVDA का, वो ऐड करने से यहाँ पर आती हैं, जिसके अंदर हमें NVDA के जितने भी एड ऑन्स हम इंस्टॉल करते हैं उनके शॉर्टकट कीज, उनके डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। मैं वो भी चेक करा देता हूँ डाउन एरो से। Running add-ons documentation sub menu. ये सब मेन्यू है, इसको राइट एरो से ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर अभी। Add-ons commands. इस ऑप्शन के ऊपर हमें तमाम कमांड्स मिल जाएंगी जो भी एडॉन्स हमने इंस्टॉल करके रखे होंगे। यहाँ से डाउन एरो कर रहा हूँ मैं। Add-ons documentation. यहाँ पर हमें उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, उसके फीचर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी फंक्शंस के बारे में, वो सब डॉक्यूमेंट की सूरत में यहाँ पर लिखी होगी। अब यहाँ से मैं लेफ्ट एरो करके वापस कमांड्स क्विक रेफरेंस के ऑप्शन के ऊपर आ रहा हूँ और उसको विजिट करते हैं। Running add-ons documentation user guide. Commands quick reference. इस पर मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ। Untitled Google Chrome document busy blank NVDA 2020.4 commands quick reference. यहाँ पर ये पेज लोड हो गया, मैं टॉप से हेडिंग वाइज मूव करता हूँ इसमें। Getting started with NVDA heading level 2. NVDA touch gestures heading level 3. Touch modes heading level 4. Basic NVDA commands heading level 3. Recording system information heading level 3. Navigating with NVDA heading level 2. ये मैं हेडिंग वाइज मूव कर रहा था, ये यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है हेडिंग वाइज मूव करने से, और जिस भी हेडिंग पर आएंगे उसके अंदर जो कंटेंट है वो पढ़ने के लिए हम वहाँ से डाउन एरो करेंगे। टेबल की सूरत में अगर कीज दी हुई है तो टेबल में नेविगेट करना मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ। Navigating with the system focus heading level 3. इस हेडिंग से आगे मैं डाउन एरो कर रहा हूँ अभी। Table with 5 rows and 4 columns name name. इसने बता दिया कि ये टेबल है और जिसके अंदर हमारे पास 5 रोज और 4 कॉलम्स हैं। रोज में मूव करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो और अप एरो की हम यूज करते हैं, जबकि कॉलम्स में मूव करने के लिए हम ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो यूज करते हैं। मैं यहाँ पर नेविगेट करके दिखाता हूँ। पहले मैं कॉलम वाइज मूव कर रहा हूँ ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट राइट एरो से। डेस्कटॉप की नेम नेम, डेस्कटॉप की लैपटॉप की लैपटॉप की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। ये कॉलम था और फर्स्ट रो यानी हेडर रो थी। अब यहाँ से डाउन एरो करेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे मैं फर्स्ट कॉलम के ऊपर आ रहा हूँ वापस। लैपटॉप डेस्कटॉप नेम नेम, ये नेम फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर डाउन एरो करते हैं। रिपोर्ट करंट फोकस, रिपोर्ट करंट फोकस, यहाँ से राइट एरो करूंगा मैं। डेस्कटॉप की NVDA प्लस टैब, इसने बताया है कि डेस्कटॉप की है ये रिपोर्ट करंट फोकस की इंसर्ट टैब NVDA टैब, यहाँ से राइट एरो कर रहा हूँ अब मैं। लैपटॉप की NVDA प्लस टैब, यहाँ पर इसने लैपटॉप की भी यही बताई है NVDA प्लस टैब। अब आगे मैं राइट एरो कर रहा हूँ। Description announces the current object or control that has the system focus. Pressing twice will spell the information. और ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी। तो इस तरह आप इजीली टेबल के अंदर नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ से तमाम कीज चेक कर सकते हैं। अब मैं NVDA की अहम कीज यहाँ पर अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम NVDA को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की देखते हैं, वो है ऑल्ट कंट्रोल एन, यानी ऑल्ट कंट्रोल एन जब भी हम प्रेस करेंगे तो अगर NVDA स्टार्ट नहीं है तो वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगर वो स्टार्ट है जैसे अभी चल रहा है तो वो रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं ऑल्ट कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ। टास्कबार, टास्कबार, और ये NVDA मेरा रीस्टार्ट हो गया है। इसी तरह अगर NVDA चल रहा है और हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इंसर्ट क्यू की प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर इंसर्ट क्यू प्रेस कर रहा हूँ। अभी NVDA मेरा बंद हो चुका हुआ है, इसको अब मुझे ऑल्ट कंट्रोल एन से स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा। मैंने इसको यहाँ पर दोबारा स्टार्ट कर लिया। NVDA को खामोश कराने के लिए, उसकी स्पीच को स्टॉप करने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं, और पॉज करने के लिए और रिज्यूम करने के लिए हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं। NVDA का स्पीच मोड ऑफ ऑन करने के लिए हम इंसर्ट एस की प्रेस करते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। स्पीच मोड ऑफ, ये ऑफ हो गया। इसके अलावा इसमें एक बीप्स की ऑप्शन है जिसमें
बीप्स बजती हैं नेविगेट करते वक्त, लेकिन स्पीच कोई नहीं आती। और तीसरी स्पीच ऑप्शन है जो अभी बाय डिफॉल्ट ऑन होती है, इसकी मैं वापस स्पीच पे आ रहा हूँ। स्पीच मोड बीप्स, स्पीच मोड टॉक। ये सिर्फ स्पीच मोड ऑफ होता है, एनवीडीए चल रहा होता है, टैप शिफ्ट टैप करने से उसका कर्सर भी मूव कर रहा होता है। एनवीडीए को अगर हम स्लीप कर देना चाहें कि उसकी कीज वगैरह ना काम करें और ना ही उसकी स्पीच आउटपुट आए, तो हम एनवीडीए को स्लीप पे लगाने के लिए डेस्कटॉप लेआउट के लिए इंसर्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और लैपटॉप लेआउट के लिए इंसर्ट शिफ्ट जेड की प्रेस करेंगे। इसका फायदा ये होता है कि कुछ एप्लीकेशन जो अपना स्क्रीन रीडर या अपना वॉइस आउटपुट अपने साथ रखती हैं, वहाँ पर हम टेम्परेरी तौर पर एनवीडीए को स्लीप मोड में ले जाते हैं ताकि एनवीडीए की कमांड्स और स्पीच उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की कमांड्स और कीज के साथ इंटरफेयर ना करें। अगर हमारे पास जॉज और एनवीडीए दोनों एक साथ रन हो गए हैं और हम दोनों में से कोई एक चीज़ बंद कर देना चाहते हैं, तो अगर हम जॉज को बंद करना चाहते हैं तो इंसर्ट F2 प्रेस करेंगे, वो कहेगा पास नेक्स्ट की थ्रू। उसके बाद इंसर्ट F4 प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जॉज का, जिसमें वो येस और नो का पूछेगा उसे क्विट करने का, तो उसको येस पे एंटर कर देंगे। और अगर हम NVDA को बंद कर देना चाहते हैं तो हम इंसर्ट 3 प्रेस करेंगे और वो बोलेगा कि पास नेक्स्ट की थ्रू। उसके बाद हम इंसर्ट Q प्रेस कर देंगे, और अगर हमने डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन को ऑफ करके रखा तो डायरेक्ट NVDA बंद हो जाएगा, नहीं तो ये भी उसको क्विट करने के लिए येस और नो की ऑप्शन पूछेगा, तो येस कर देंगे एंटर करके तो NVDA बंद हो जाएगा। NVDA के अंदर कीबोर्ड हेल्प मोड ऑन करने के लिए इंसर्ट 1 की प्रेस करते हैं, जिसके बाद हम कोई भी कमांड या की प्रेस करें तो वो एक्चुअल एक्शन नहीं होता बल्कि NVDA हमें उसका फंक्शन अनाउंस करके बताता है। मैं चेक करा देता हूँ, इंसर्ट 1 कर रहा हूँ मैं। इनपुट कमांड, अब यहाँ पर कमांड्स टाइप करके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट शिफ्ट जेड करता हूँ मैं यहाँ पर। NVDA plus shift plus Z, toggle sleep mode on and off for the active application. अब इंसर्ट एस करता हूँ। NVDA plus S toggles between the speech modes of off, beep and talk. When set to off, NVDA will not speak anything. If beeps, then NVDA will simply beep each time that it's supposed to speak something. If talk, then NVDA will just speak normally. अब मैं इंसर्ट क्यू कर रहा हूँ। NVDA plus Q quits NVDA. NVDA plus N shows the NVDA menu. तो इस तरह हम इनपुट हेल्प ऑन करके कमांड चेक कर सकते हैं। NVDA के साथ टाइम सुनने के लिए इंसर्ट F12 प्रेस करेंगे और डेट सुनने के लिए इंसर्ट F12 ट्वाइस क्विकली प्रेस करेंगे। बैटरी स्टेटस मालूम करने के लिए इंसर्ट शिफ्ट B प्रेस करेंगे। 66% 3 hours and 13 minutes remaining. और अगर हमने क्लिपबोर्ड में कोई टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है तो वो जानने के लिए इंसर्ट C प्रेस करेंगे, तो वो बताएगा कि इस क्लिपबोर्ड में क्या टेक्स्ट कॉपी है। There is no text on the clipboard. जब हम डायलॉग बॉक्सेस या किसी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होते हैं तो करंट फोकस जो होता है NVDA का, वो जानने के लिए हम इंसर्ट टैब की प्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके चेक कराता हूँ। Recycle bin 1 of 24. Recycle bin properties dialog, general. ये मैंने रिसाइकल बिन के प्रॉपर्टीज ओपन किया। अब यहाँ पे हम किसी आइटम पर फोकस करके तो चेक करते हैं। Settings for selected location, room maximum size, display delete confirmation dialog, checkbox checked, okay button, cancel button. ये कैंसिल बटन पे हमारा फोकस है इस वक्त, तो चेक करने के लिए कि हमारा फोकस इस वक्त किस चीज़ पर है तो इंसर्ट टैब प्रेस करेंगे। कैंसिल बटन फोकस्ड, तो इसने बताया कि कैंसिल बटन फोकस। किसी भी डायलॉग बॉक्स ऑप्शन या विंडो का टाइटल अनाउंस कराने के लिए इंसर्ट T प्रेस करेंगे। इस टाइटल के स्पेलिंग अनाउंस कराने के लिए इंसर्ट और 2 times T प्रेस करेंगे, और टाइटल को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए इंसर्ट और 3 times T प्रेस करेंगे। मैं चेक कराता हूँ। रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज, मैंने एक दफ़ा इंसर्ट टी प्रेस किया था, इसने टाइटल अनाउंस किया रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज। अब 2 times प्रेस करता हूँ मैं टी। RECYCLE space BIN space PROPERTIES। इसी तरह इसको क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए 3 times T प्रेस करेंगे। RECYCLE the clipboard. Recycle bin properties. ये कॉपी हो गया इंसर्ट सी से, हम चेक भी कर लेते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर क्या इस वक्त कॉपी है। Recycle bin properties. जो भी हमारे पास एक्टिव विंडो होगी उस पूरी को टॉप से बॉटम तक रीड आउट कराने के लिए इंसर्ट बी प्रेस करेंगे। जैसे मेरा इस वक्त फोकस इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर है, मैं इंसर्ट बी प्रेस करता हूँ। Recycle bin properties dialog, general property page, list, data, F, space available, 385 GB, 1 of 2, data, F, selected recycle bin location, 385 GB, selected space available, windows, C, space available, 79.5 GB, 2 of 2, windows, C, recycle. इस तरह पूरा डायलॉग बॉक्स अनाउंस करेगा टॉप से बॉटम तक। जो ये प्रॉपर्टीज के डायलॉग बॉक्स होते हैं, इनमें हम टैब और शिफ्ट टैब से ऑप्शंस के अंदर मूव करते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हो तो कभी कभार स्क्रीन रीडर अनाउंस नहीं करता है, मसलन इसका साइज टाइप वगैरह, तो हम इंसर्ट बी प्रेस करके या तो डायलॉग बॉक्स को पूरा अनाउंस करवाएंगे और फिर अपने मतलूबा ऑप्शन को सुनेंगे।
इसमें टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि वो पूरा डायलॉग बॉक्स पड़ेगा टॉप से बॉटम तक, और हमारी इन्फॉर्मेशन अगर दरमियान में या एंड में कहीं होगी तो वो पहले पूरा पिछले वाला टेक्स्ट पढ़ता हुआ और ऑप्शंस पढ़ता हुआ आएगा। तो अगर हम डायरेक्टली अपना टेक्स्ट एरिया पढ़ना चाहते हैं किसी डायलॉग बॉक्स या एप्लीकेशन के अंदर से, तो हम उसका वर्चुअल व्यू ले लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट NVDA के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसके लिए एक ऐड ऑन करना पड़ता है वर्चुअल व्यू का। ये ऐड ऑन मेरे पास इंस्टॉल है, सिंपली आपके पास अगर डाउनलोड मौजूद होगा तो इस पर एंटर करके येस करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ये एक्टिव हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स का वर्चुअल व्यू लेने के लिए हम NVDA के अंदर इंसर्ट कंट्रोल W की प्रेस करते हैं। Unknown virtual review recycle bin properties virtual review recycle bin properties general recycle bin location। ये इस डायलॉग बॉक्स का वर्चुअल व्यू सामने आ गया। अब ये टेक्स्ट के फॉर्म में आए, यहाँ पर हम अप डाउन एरो से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं डाउन एरो करता हूँ यहाँ से, लैंड डेटा F, लैंड डेटा F 385 GB, लैंड डेटा F 385 GB, लैंड विंडोज C 79.5 GB, लैंड सेटिंग्स फॉर सिलेक्टेड लोकेशन। तो इस तरह हम डायलॉग बॉक्सेस के अंदर से अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं इजीली।